गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर कर्वेचर के ही अगले टॉपिक पे बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, मीन वक्रता केंद्र के निर्देशांक और वक्रता जीवा की लंबाइयां के फॉर्मूले क्या होते हैं, उन पर बेस क्वेश्चन लेंगे। तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं कि डेफिनेशन है। सबसे पहले वक्रता केंद्र क्या होता है, किसी वक्र के किसी बिंदु पी पर वक्रता केंद्र का वह बिंदु कहलाता है जो कि बिंदु पी पर अभिलंब की धनात्मक दिशा में उससे रो दूरी पर होता है, वह हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है वक्रता वृत्त, किसी वक्र के किसी बिंदु पी पर वक्रता वृत्त वह वृत्त है जिसका केंद्र वक्रता केंद्र तथा जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या रो होती है। नेक्स्ट वक्रता जीवा, किसी वक्र के किसी बिंदु पी पर वक्रता वृत्त की वह जीवा जो बिंदु पी से गुजरती है उसे बिंदु पी पर वक्रता जीवा कहते हैं। नेक्स्ट केंद्रज, किसी वक्र के वक्रता केंद्रों का बिंदु पथ केंद्रज कहलाता है तथा वक्र अपने केंद्रज का एक प्रतिकेंद्र होता है। ये कुछ डेफिनेशंस है जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अब हम लेते हैं वक्रता केंद्र के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी कुछ फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा चूंकि चित्र में दिखाया है वक्रता केंद्र के जो निर्देशांक है वो एक्स बार वाई बार है, तो हमारा एक्स बार वाई बार की वैल्यू हम ले लेते हैं। एक्स बार बराबर होता है हमारा एक्स माइनस y1 into 1 plus y1 का स्क्वायर अपॉन y2, और y बार बराबर होता है y plus 1 plus y1 का स्क्वायर अपॉन y2। ये हमारे वक्रता केंद्र के निर्देशांक के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हमारी एक ले लेते हैं वक्रता वृत्त का समीकरण। वक्रता वृत्त का समीकरण होता है हमारा वक्रता वृत्त की परिभाषा से x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रो स्क्वायर। ये हमारा वक्रता वृत्त का समीकरण है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है हमारा, हम ले लेते हैं वक्रता जीवाओं की लंबाइयां। वक्रता जीवाओं की लंबाइयां दो से हम ले सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर मूल बिंदु यानी ध्रुव से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई जो हमारी होती है टू रो साइन फाई। चूंकि हम जानते हैं पी इजिकल्स टू आर साइन फाई होता है, तो हम इसे और लिख सकते हैं टू रो इंटू पी अपॉन आर। दूसरा है हमारा ध्रुवांतर रेखा पर लंब वक्रता जीवा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर द रेडियस वेक्टर, वो हमारी होती है टू रो कॉस फाई। और यहां भी हम पी इजिकल्स टू आर साइन फाई से वैल्यू रख दें तो इसे लिख सकते हैं टू रो इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इसे हम टू रो अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा टू रो अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे अक्षों के समांतर वक्रता जीवाओं की लंबाइयां। अक्षों के समांतर वक्रता जीवाओं की लंबाइयां जो हमारी हो जाएगी, इसमें यदि हम एक्स अक्ष के समांतर
वक्रता जीवा की लंबाई लें तो इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 रो sin psi। और यदि वाई अक्ष के समांतर लें वक्रता जीवा की लंबाई निकालें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है 2 रो cos psi। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दीर्घ वृत्त x² + y² + b² = 1 के किसी बिंदु x, y पर वक्रता केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन है इसका, हम जानते हैं दीर्घ वृत्त की जो समीकरण है x² + y² / b² = 1, इसका हमने डिफरेंशियल किया x के रेस्पेक्ट में 2x / a² + 2y / b² dy/dx = 0 हो जाएगा। सॉरी तो dy बाय डी एक्स यहां से निकल के आ जाएगा -b² x / a² y। और यदि हमने d2y/dx² निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास a² y² यहाँ निकल जाएगा a² y b² - b² x a² (dy/dx) और इसकी हमने वैल्यू रख दी तो हमारे पास हो जाएगा -b² a² y² + b² x² / a⁴ y³। और इसे और सिंप्लीफाई कर दिया इसने, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी तो ये हमारे पास आ जाएगा -b⁴ a² y³, यानी d2y/dx² की वैल्यू ये आ जाएगी। अब चूंकि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो है हमारे पास एक्स बार हमें निकालना है, तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है हमारे पास हमने पढ़ा, एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो है x - y1 यानी dy/dx, यानी dy/dx की हमारी जो वैल्यू है वो है -b² x dy/dx की वैल्यू y1/y2, यहां से हमने वैल्यू रख दी इसकी तो हमारे पास आ जाएगा y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -x + x-, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे x² / b² और यहाँ 1 + y1² यानी 1 + b² x² / a⁴ y² y1/y2 की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ रख दी। सो सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा x - x / b² एज इट इज। वाई स्क्वायर हम यदि अंदर ले गए, इसका एलसीएम लेकर के y² से y² कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ये a⁴ y² + b⁴ x² और इसे और सिंप्लीफाई कर लिया तो हमने x - x / b² a⁴ (a²) a² (b² - b² x² (y² की वैल्यू रख दी तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया हमारे पास a² - b² / a⁴ (x³) ये हमारी x बार की वैल्यू निकल गई। इसी प्रकार हमने y बार निकाला, y बार होता है y+1 + y1² / y2, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया a² - b² / b
वी फोर इंटू वाई थ्री, ये हमारे एक्स पर वाई बार की वैल्यू हो गई, क्योंकि हमें पॉइंट एक्स वाई पर ही निकालनी थी, तो हमारे एक्स और वाई बार की वैल्यू यानी इसके जो वक्रता केंद्र हो गए वो हमारे पास हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए फोर एक्स क्यूब कॉमा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी फोर इंटू वाई क्यूब, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड्स पर रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि वक्र वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स अपॉन ए के किसी बिंदु की अक्षों के समांतर वक्रता जीवाएं सी एक्स तथा सी वाई है, तो सिद्ध कीजिए वन अपॉन सी एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए सी एक्स। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, समीकरण दे रखी है वाई वन हमारे पास है ए ई की पावर एक्स ए ई की पावर एक्स अपॉन ए, जिसे हम लिख सकते हैं वाई बाय ए और वाई टू हो जाएगा हमारे पास अक्षों के समांतर जीवा निकालने हैं, वाई टू हो जाएगा हमारे पास वाई अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें सी एक्स निकालना है, चूंकि हम सी एक्स बराबर है हमारे पास टू रो साइन साई, फॉर्मूला है हमारे पास, यानी हमें अक्षों के समांतर एक्स अक्ष के समांतर निकालना सी एक्स, तो टू रो साइन साई टू इंटू रो का फॉर्मूला है वन प्लस वाई वन का स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाय टू, सॉरी वाई वन निकाला तो ए एज इट इज, वाई वन ही से मतलब है यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, और वाई टू है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमारा रो का जो फॉर्मूला है वो है वन प्लस वाई वन का स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू अपॉन वाई टू, और साइन शाई का जो फॉर्मूला है वो है वाई वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, यहाँ हमने वैल्यू रखी इसकी, तो अब हमारे पास आ जाएगा टू वाई वन अपॉन वाई टू, और इसे सॉल्व कर लिया तो ये वन प्लस वाई वन का स्क्वायर बचा, और इसमें वैल्यू रख दी वाई वन की वाई अपॉन ए उसकी वाई अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू एज इट इज, तो ये हो जाएगा टू इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए, ये इसे हमने समीकरण सॉरी इसे हमने समीकरण एक नाम दे दिया। इसी प्रकार से हमने सी वाई निकाल लिया, वो है टू रो कॉस शाई यानी टू इंटू रो का फॉर्मूला वन प्लस वाई वन का स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू अपॉन वाई टू, कॉस शाई हो जाएगा हमारे पास वाई वन अपॉन वाई टू अपॉन कॉस शाई वाई वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू, सॉरी वन अपॉन है वाई वन नहीं वन अपॉन, और इसमें इसमें हमने वैल्यू रखी इसकी, तो ये हो जाएगा टू इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y, इसे हमने दो नाम दे दिया, ये सी वाई की वैल्यू है ये सी एक्स की वैल्यू है, दोनों का होल स्क्वायर कर
वन अपॉन सी एक्स और वन अपॉन सी वाई का हमने समीकरण एक व दो से निकाला, वन अपॉन सी एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी वाई का होल स्क्वायर करके ऐड किया, तब हमारे पास हो जाएगा वन बाय फोर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब उसको सॉल्व किया तो यह वन अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे हमने इसकी वैल्यू और कर से रख दी जो हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ए सी एक्स जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार हम फॉर्मूला की सहायता से उसकी जो प्रॉब्लम्स है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंथ ऑफ कर्ड ऑफ कर्वेचर दोनों सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।